ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। सो डेफिनेटली गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसा वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड एक्चुअली मैं डेली वीडियो शूट करना चाहती हूँ, डेली अपलोड करना चाहती हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न मैं आपको आगे बता दूँगी। एंड जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि गिभावे होगा चैनल पे एवरी मंथ, 2 या 3 गिभावे होगा, वो भी माँ के नाम से। सो और डेफिनेटली गाइस, आज मैं कुछ गिभावे विनर्स करना, मैं अनाउंस करना चाहूँगी। सो एक नहीं, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, मैं कुछ 10 गिभावे विनर्स का नाम मैं अभी अनाउंस करूँगी। एंड जो भी विनर्स है उनका नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। एंड ये गिभावे माँ की तरफ से है। एंड आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अब इतना सपोर्ट कर रही हो, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप सब मेरे फैमिली हो। एंड ये कुछ भी नहीं, एवरी मंथ ऐसे 2 या 3 गिभावे होगा। एंड जो भी विनर्स है, आपका जो भी एड्रेस है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिए, मैं आज ही इमीडिएटली आप सबको रिप्लाई कर दूँगी। एंड मुझे पता है जनवरी में मैंने कुछ गिभावे विनर्स का नाम अनाउंस किया था, एंड उसके बाद कोई गिभावे नहीं हुआ था, तो उनको मैंने अभी तक गिभावे सेंड नहीं किया है। एक साथ सबको गिभावे सेंड कर दूँगी। मुझे ईच एंड एवरी वन का नाम याद है जिनका भी नाम मैंने अनाउंस किया था। सो अब प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आज का ये वीडियो देख लीजिए। एंड जो भी गिफ्ट जाएगा वो माँ की तरफ से जाएगा एंड मेरे नाम से नहीं जाएगा। सो आप टाइटल देख कर समझ जाना सिंह कि ये मैंने सेंड किया है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज आज का ये वीडियो देख लीजिए। एंड अगर आउटफिट के बारे में बात करूँगी तो ये टॉप फैवियली से है, मैंने खुद नहीं लिया है, ये फैवियली वालों ने सेंड किया था मुझे। सो एंड ये जो लिपस्टिक सेट है ना, ये भी मामाज से है। एंड मामाज वालों ने सेंड किया था, ये भी मैंने नहीं लिया था। सो इसका जो सेट है ना, ये वेरीलिशियस मैजेंटा कुछ आपको 500 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। सो आप चेकआउट कर लेना, मैं कल से ट्राई करूँगी एवरी डे वीडियो शूट करने के लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आज का ये वीडियो देख लीजिए। आज ही चल वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बिना टाइम मोस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं उसका मिसो स्पेशल पार्टी हुआ या ईद स्पेशल आउटफिशल वीडियो। नेक्स्ट बॉन इस मस्टर्ड कलर में, ये रही मिसो से एक न्यू अराइवल। डिफरेंटली गाइस, न्यू अराइवल लॉन्ग ड्रेस या लॉन्ग गाउन, एंड आई एम श्योर ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। सो ये जॉर्जेट फैब्रिक में ड्रेस एंड उसके साथ वेस्ट में टाई अप करने के लिए आपको ये वाला बेल्ट दिखने को मिलेगा। मैं क्विक रिव्यू शेयर करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आप बहुत स्लो बात करते हो। सो ये रही बेल्ट जो कि आपको ये सिकोवेंस वही थ्रेड बुक का डिटेलिंग के साथ दिखने को मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर लॉटकन भी दी हुई है। एंड फाइनली ये रही गाउन जो कि नेक वाइज ना ही आपको हाई नेक में दिखने को मिलेगा। सुपर वे यार, इसका क्वालिटी एकदम से गाइस फर्स्ट क्लास है। एंड बैक साइड में गाइस आपको यहाँ पे एक जिप दिखने को मिलेगा जो कि जिपर का क्वालिटी भी अच्छा है, बिल्कुल भी चिप नहीं है। एंड नेक वाइज हाई नेक में दी हुई है। एंड आपको यहाँ पे सारे सिकोवेंस हो गए थे, एम्ब्रॉयडरी का डिटेलिंग दी हुई है। स्लीव वाइज आपको फुल स्लीव मैच आएगा, यहाँ पे पॉप का डिटेलिंग दी हुई है। एंड इस पर भी आपको यहाँ पे सिकोवेंस विद एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा, इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। एंड आप एक गाउन देख लीजिए, पहनने के बाद ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आपका हाइट या हेल्थ परफेक्ट है तो ये परफेक्टली गाइस आ जाएगा आपके ऊपर। इसमें आपको डिफरेंट साइज ऑप्शन भी दिखने को मिलेगा, और सारे यहाँ पे सिकोवेंस गोल्डन कलर में वर्क दी हुई है। एंड आपको यहाँ पे सारे लॉटकन भी दिखने को मिलेगा, नीचे गोल्डन कलर में सारे फ्रिल्स वगैरह प्रोवाइड की हुई है। अंदर आपको लाइनिंग वगैरह भी मिल जाएगा, इसका डिज़ाइन काफ़ी न्यू है, पहनने के बाद खूबसूरत लग रहा है। नीचे आपको यहाँ पे एक बॉर्डर मिल जाएगा, इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट वन इस रेड कलर में, ये रही मिसो से एक न्यू अराइवल गाउन, प्रॉपर गाउन है गाइस। एंड इसका जो डिज़ाइन है ना, कुछ आपको इस तरह के डिज़ाइन के साथ दिखने को मिलेगा। नेक बस राउंड नेक में दी हुई है, फैब्रिक वाली जॉर्जेट में है। फ्रंट का जो डिज़ाइन है आपको ये सारे एम्ब्रॉयडरी या थ्रेडवर्क का मल्टी कलर में डिटेलिंग दिखने को मिलेगा। एज यूजुअल इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। एंड इसके साथ अटैच होकर ना आपको ये वाला दुपट्टा दिखने को मिलेगा, इसका भी फैब्रिक जॉर्जेट में है। लेंथ वाइज आपको ये फ्लोर लेंथ का जाएगा, नीचे सारे मल्टी कलर में थ्रेडवर्क या मतलब कि जरी का वर्क दिखने को मिलेगा, मल्टी कलर में सारे वर्क वगैरह प्रोवाइड की हुई है। एंड बैक साइड में भी आपको ये वाला सेम डिज़ाइन आ जाएगा, जैसे कि कलर वाइज ब्लड रेड कलर में है, इसके ऊपर मल्टी कलर में सारे थ्रेड वर्क या एम्ब्रॉयडरी का डिटेलिंग दी हुई है, तो काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है। ऊपर से अटैच होकर दुपट्टा मिल रहा है। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे लाइनिंग दिखने को मिलेगा, एंड इसके अंदर यहाँ पे कैनकन वगैरह भी प्रोवाइड की हुई है।
हैवी, नॉट हैवी कैन कन, बट नॉर्मल कैन कन मिल रहा है जो कि एनफ है। एंड इसके अंदर यहाँ पे लाइनिंग भी दी हुई है, सो इसमें आपको आई गेस इसमें मैंने फ्री साइज लिया है, इसमें आपको डिफरेंट साइज ऑप्शन आई गेस नहीं मिलेगा, फ्री साइज ऑप्शन के साथ ही मीसो पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना। सो बॉन इस पिंक कलर में, ये रही मीसो से एक न्यू अराइवल अनारकल ड्रेस या गाउन। गाइज इसमें आपको येलो कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, वेडिंग वगैरह के लिए या फंक्शन के लिए परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैब्रिक वाइज इसका आपको जॉर्जेट में आ जाएगा एंड इसका फिटिंग परफेक्ट है। घेरा वाइज बहुत सारा घेरा दी हुई है, सो यहाँ पर ना आपको दुपट्टा देखने को मिलेगा। दुपट्टे का जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट में दी हुई है, जिसकी कलर वाइज आपको पिंक कलर में आ जाएगा, सारे फ्लोरल प्रिंट दी हुई है एंड चारों एंड्स पे ना आपको यहाँ पे गोल्डन कलर में जरी का डिटेलिंग भी दी हुई है। सो परफेक्ट है, लाइट वेट भी है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड ये रही गाउन जो कि फैब्रिक वाइज इसका आपको जॉर्जेट में दिखने को मिलेगा एंड बैक साइड में ना आपको यहाँ पे लॉटकन दी हुई है। फ्रंट का जो डिज़ाइन है आपको कुछ इस तरह के डिज़ाइन के साथ ही दिखने को मिलेगा। स्लीव वाइज लॉन्ग स्लीव में दी हुई है एंड फ्लेयर वाइज भी बहुत सारा फ्लेयर दी हुई है। आपको यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट दिखने को मिलेगा, नीचे कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है, इसके अंदर लाइनिंग वगैरह प्रोवाइड की हुई है। सो बहुत सारा फ्लेयर के साथ ये रही एक खूबसूरत सा अनारकली ड्रेस, इसका आपको येलो कलर ऑप्शन या डिफरेंट साइज ऑप्शन भी दिखने को मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट बॉर्निस गाइस, आप ईद के लिए अगर कुछ सूट ढूंढ रही हो या कुछ पाकिस्तानी सूट ढूंढ रही हो तो ये आपको मीशो पे दिखने को मिल जाएगा। एंड मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ड्रेस मीशो पे अवेलेबल है एकदम से। गाइस अगर आप इसे बाहर से लेंगे तो इसका प्राइस कुछ अलग होगा, बट मीशो पे अच्छी क्वालिटी की ड्रेस अवेलेबल है एंड स्पेशली ईद के लिए आउटफिट हॉल आ रहा है। एंड मैंने बहुत सारा ईद स्पेशल आउटफिट का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुकी हूँ, बट मुझे बस एक ही प्रोडक्ट अभी तक रिसीव हुआ है, एक या दो दिन में रिसीव हो जाएगा, आगे रिव्यू शेयर कर दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये जो ड्रेस है ना, इसका कलर सुपर्ब है एंड फैब्रिक देख लीजिए, ये आपको जॉर्जेट में दिखने को मिलेगा। एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया है ना वो है स्मॉल साइज एंड काफ़ी लाइट वेट है, खूबसूरत से ड्रेस है। एंड फ्रंट में ना आपको ये सारे नेक साइड में वाइट कलर में पॉल का डिटेलिंग दिखने को मिलेगा, सारे एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी दी हुई है। क्वालिटी वगैरह का इस एकदम से फर्स्ट क्लास है। स्लीव वाइज आपको ये लॉन्ग स्लीव में आ जाएगा एंड यहाँ पे भी सारे लेस विथ एम्ब्रॉयडरी का डिटेलिंग दी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड टोटल कुर्ती में भी आपको यहाँ पे सारे एम्ब्रॉयडरी का वर्क दिखने को मिलेगा बोथ साइड पे एंड आपको यहाँ पे बॉर्डर भी प्रोवाइड की हुई है। इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पे सिल्क फैब्रिक में बोथ साइड में लाइनिंग भी दिखने को मिलेगा, खूबसूरत से ड्रेस है, वाइट कलर में सारे पॉल का डिटेलिंग वगैरह भी दी हुई है। एंड उसके साथ में ये रही ट्राउजर पैंट जो कि वेस्ट पर आपको यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है, इसका जो फैब्रिक है ये आपको प्योर कॉटन या खादी कॉटन में आ जाएगा, काफ़ी थिक है, लेंथ वाइज एंकल लेंथ का आ जाएगा। नीचे ना आपको ये सारे व्हाइट कलर में लेस का डिटेलिंग भी दी हुई है, क्वालिटी वाइज का फर्स्ट क्लास है। पिंक कलर में थ्रेडबो के साथ ये रही एक ईद स्पेशल या को वेडिंग स्पेशल आउटफिट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये रही पेपलम और कुर्ती, उसके साथ आपको ये वाला पैंट दिखने को मिलेगा। एंड कलर वाइज जैसे कि आपको ये और डीप पिंक कलर में दिखने को मिल रहा है एंड फैब्रिक वाइज जॉर्जेट में है। एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, इसमें आपको डिफरेंट साइज ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, इसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस जैसे कि आपको यहाँ पे कलर दिखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे राउंड नेक में आ जाएगा फैब्रिक वाइज, इसका जॉर्जेट में है एंड जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर सारे गोल्डन कलर में एम्ब्रॉयडरी का डिटेलिंग दिखने को मिलेगा। फ्रंट बैक बोथ साइड में दी हुई है, काफ़ी लाइट वेट है एंड नीचे आपको ये सारे एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे लाइनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की हुई है। सो ये रही एक पेपलम टॉप या एक कुर्ती एंड उसके साथ में आपको ये वाला पैंट दिखने को मिलेगा। फैब्रिक वाइज इसका जॉर्जेट में है एंड वेस्ट पर यहाँ पर इलास्टिक भी दिखने को मिल रहा है एंड लेंथ वाइज अंकिल लेंथ तक आ जाएगा। सेम नीचे आपको ये सारे गोल्डन कलर में थ्रेडवर्क वगैरह प्रोवाइड की हुई है, क्वालिटी अच्छा है, दिखने में भी सुंदर लग रहा है, वेडिंग सीजन के लिए या ईद के लिए भी परफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक कलर में मीशो से ये रही एक न्यू अराइवल अनारकली ड्रेस, एक्चुअली एक रफल ड्रेस या रफल गाउन, उसके साथ आपको ये बेल्ट एंड दुपट्टा दिखने को मिलेगा एंड सारे पॉल का डिटेलिंग दी हुई है। तो चलिए पहले ना ये बेल्ट का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। वेल ये रही बेल्ट, फैब्रिक वाइज इसका जॉर्जेट में है एंड जैसे कि गोल्डन कलर में या रेड कलर में सारे थ्रेड वर्क दी हुई है, आपको यहाँ पे से कोवंस का डिटेलिंग भी आ जाएगा, सो परफेक्ट है।
एक चौड़ा बेल्ट दी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसे आप मल्टीपर्पज़ में साड़ी वगैरह में भी पेयर अप कर सकते हो, ब्लैक कलर की साड़ी में। एंड ये रही गाउन, जो कि फैब्रिक इसका जॉर्जेट में है, एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया है आई के स्मॉल साइज। एंड नेक वाइज आपको ये वेनेक में आ जाएगा, बैक का जो नेक ये राउंड नेक में दी हुई है। आपको यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन के साथ लटकन भी देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर के ऊपर रेड एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। सारे सिक्वेंस का वॉक भी दी हुई है, स्लीव वाइज से लॉन्ग स्लीव में आ जाएगा। एंड सारे यहाँ पे सिक्वेंस हुए थे, एम्ब्रॉयडरी का वॉक मिल रहा है गोल्डन या रेड कलर में। बीच बीच में आपको यहाँ पे व्हाइट कलर में पॉल भी दी हुई है, सेम वो स्लीव पे आपको ये वाला सेम डिज़ाइन आ जाएगा। अंदर यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है सर रफल का डिटेलिंग। आपको नीचे तक ना टोटल गाउन में फ्रंट एंड बैक बोथ साइड में ये वाला सारे रफल का डिटेलिंग आ जाएगा। जॉर्जेट फैब्रिक में है, इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है, घेरा बस भी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। दुपट्टे का जो फैब्रिक है ये आपको जॉर्जेट में आ जाएगा। दुपट्टा में ना टोटल आपको ये सारे पॉल दिखने को मिलेगा, एंड ये सारे पॉल इतनी आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि बैक साइड में आपको यहाँ पे सारे लॉक वगैरह देखने को मिल रहा है। सो परफेक्ट है बोथ साइड पे यहाँ पे, और रफल का डिटेलिंग भी दी हुई है। सो गाइस जो भी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप मैं शेयर की हूँ, उन सारे प्रोडक्ट्स का प्रॉपर कोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप मेरा काम आसान करना चाहते हो, या अगर आप मीशो से आपकी डिमांड के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहते हो, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ोटो वगैरह सेंड कर दीजिए, उसके बाद अब मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आप तो इंस्टाग्राम पर रिप्लाई ही नहीं करते हो यार, इतना सारा कमेंट्स है ऊपर से। मैं मेंटली या फिजिकल बिल्कुल भी गाइस ठीक नहीं हूँ, इससे मेकअप करके बैठ जाने से कुछ ठीक नहीं हो जाता। सो मैं ट्राई कर रही हूँ जो भी हो मेरे से मैं रिप्लाई करने के लिए, बट आज मैं ट्राई करूँगी जो भी सारे विनर्स है ये सारे काम एकदम से ख़त्म करने के लिए मैं आज ट्राई करूँगी। एंड आगे डेली वीडियो आएगा, आई विश मैं शूट कर पाऊँगी डेली। सो प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस, एंड थैंक यू। एंड आप देख तो रही हो मेरी माँ कितनी खूबसूरत है, एंड और कुछ नहीं बस मेरा साथ देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड आगे से बहुत सारा सरप्राइजिंग वीडियो या गिव अवे आ रहा है, सो प्लीज़ स्टे। मैंने बता दिया था पहले से ही कि आप सब मेरे फैमिली हो, तो इतना सारा प्रोडक्ट्स इतना सारा आउटपीस मैं लेके क्या करूँगी। तो मैं धीरे धीरे सब गिव अवे कर दूँगी, कुछ रीसेलिंग भी कर दूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।